हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, ये न्यू फिशर स्टॉक पार्ट थर्ड है, और अगर आप पार्ट वन और टू नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। उसमें आपको छोटी छोटी विडो फिश का प्रजाति दिखाए थे, और ये बहुत सारा छोटी छोटी स्मॉल फिश जिसे ऑक्सीजन का उतना जरूरत नहीं होता है, वो आराम से रह लेती है, वो दिखाएं। और पार्ट वन में हम आपको दिखाएं बीटा फिश का कलेक्शन जो काफी ज्यादा था, तो आप जरूर जाके देख लीजिए। अभी फिलहाल हम आपको टोटल दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन वीडियो है। तो आइए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर पार्ट ये आपको देखना है तो पार्ट टू में आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट में आपको वीडो और यहाँ पे गप्पी और जेब्रा का कलेक्शन है। और ये अंदर आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वीडो का, प्लेटी का, ये सब का कलेक्शन मिल जाएगा। और आपको पार्ट वन में जो है वो आपको ये बीटा फिश का कलेक्शन देखने को मिलेगा, ये भी आप देख लीजिएगा जाके। और यहाँ पर आप चलते हैं इस साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्कर फिश हमारे पास अवेलेबल है, जो आपको बताए थे कि हमारे पास लगभग जो है 500 पीस के आसपास आया था, जो अभी लगभग 50 पीस के आसपास अब बचा हुआ है। और इसमें किसिंग गुरामी भी आ चुका है और सिकलेट भी है अवेलेबल, तो ये फिशेस इसमें अवेलेबल है। और इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 5-6 तरह का वेराइटीज मिक्स है फिशेस का। तो फर्स्ट में ये आप देख सकते हैं बबल आई, ये जो है बबल आई फिशेस है। और इसके और यहाँ पे देखिए ये लीची गोल्ड भी है इसमें मिक्सेस, और यहाँ पर सुहानकीन भी है, और ये ब्लैक गोल्ड भी है, और यहाँ कैलिको गोल्ड भी है, ये सब कैलिको गोल्ड भी है, और रेड कैप भी है। और इसमें कुछ वीडो फिश है और कुछ गोल्ड फिश है जो इसमें स्टॉक रखा हुआ है। और इसके जस्ट बगल वाले टैंक में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी 4-5 तरह का है, जिसमें आपको ये देख सकते हैं ये जो गुरामी आपको जो नज़र आ रहा होगा, ये गुरामी आप इसको कहते हैं डॉर्फ गुरामी, और इसको अलग डिफरेंट टाइप का भी है, दो गुरामी इसमें है। एक काम को नाम याद नहीं है, आप इसको देख के पहचान सकते हैं ये कौन सा गुरामी है। तो ये दो तरह का गुरामी है, और एक डिफरेंट वहाँ पे भी है जो आपको शो हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और उसके अलावा नॉर्मल गुरामी जो है वहाँ पर बड़े साइज का आपको दिख रहा होगा, और इसमें येलो कलर का भी आया हुआ है जो यहाँ पर है, ठीक है, ये गुरामी आपको मिल जाएगा। और इसी टैंक में जो है मिल्की फिशेस भी है, ये सारी मिल्की आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे कार फिशेस है, ये सारी जो है इसमें है। और गाइज, इसमें आप देख सकते हैं ये बड़े साइज का टाइगर शार्क है, जिन्हें टाइगर शार्क चाहिए होगा वो टाइगर शार्क ले सकते हैं। और ये पुराना स्टॉक हमारे पास कार फिशेस का है, जो आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कार फिश है। और इसमें पुराना कलेक्शन ही रेनबो शार्क भी है, एल्बिनो शार्क भी है, और नया स्टॉक में इसमें आपको एल्बिनो सकर कैटफिश आपको मिल जाएगा, तो ये इस स्टॉक में है। इसके जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपलुक गोल्ड फिश मिल जाएगा, और ये सारा पुराना स्टॉक हमारा है, इसमें अपलुक गोल्ड, रेड कैप, ओरेंडा रेड कैप, ओरेंडा गोल्ड, ये सारे फिशेस हैं, इसी में मिक्सेस है जो थोड़ा बहुत है। और इसके जस्ट ऊपर में आप देखिए, यहाँ पर साइड में ये यहाँ पर आपको 5-6 तरह का यहाँ पर भी वेराइटीज है, क्योंकि आपको बताएं टैंक हमारे पास ज्यादा नहीं है, सारा जो है लास्ट रूम है, तो एक ही जगह पे इतना सारा नहीं है, तो यहाँ पर कम वेराइटी रखे हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 3 तरह का 4 तरह का गोल्ड है, तो एक गोल्ड ये हो गया, और एक ये आप देख सकते हैं ये ब्रास गोल्ड कहते हैं, और ये अपलुक गोल्ड हो गया जो ब्लैक का शेड है, और ये सब जो छोटी छोटी जो है ये अलग टाइप का है गोल्ड, इसको आप रोज गोल्ड कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर डिफरेंट टाइप का, एकदम गुलाब का फूल के जैसा जो है इसका पंख फैला हुआ है, जो आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। और इसमें सुवानकिन फिश भी है, तो ये सारे फिशेस इसमें ऐड है। और इसमें कुछ रेड कैप भी है जो आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ फिशेस यहाँ पे रखा हुआ है जो हम बार बार बता रहे हैं, और कुछ फिशेस जो है और भी स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है। और गाइज, ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेड कार फिश कुछ बचा हुआ है और भी हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी फिशेस आई थी इसमें जो सारा सेल हो चुका है, ये जैपनीज कोई ये सब भी इसमें है, और इसके अलावा ब्लैक कार भी अवेलेबल है, जो आपको 2 पीस वहाँ पे शो हो रहा होगा, ये अवेलेबल है। इसके जस्ट बगल वाले टैंक में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ओरेंडा गोल्ड है, और इसमें ओरेंडा रेड कैप भी है, और रेड व्हाइट गोल्ड भी है, और बड़े साइज का ओरेंडा गोल्ड भी है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। अब गाइस, हम आपको दिखाने वाले हैं, इधर अब वो फिश दिखाने वाले हैं जो आपको देखने का इच्छा होगा बहुत दिन से, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मंगाते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे फिश हमारे पास आता है जो ऑर्डर पे आता है। यहाँ पे ये मोहल्ला कुछ इस टाइप का, यहाँ पर जो इम्पोर्टेड फिश ज्यादा नहीं डिमांड करते, जो भी डिमांड करते हैं वो लाते हैं, और उसी दिन जो है सेल हो जाता है। बट आज जो है एक पीस जो है अभी अरवाना अवेलेबल है, जो कल जाने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, इस टैंक को आप जानते हैं, ये टैंक काफी लंबा है, ये 7 फीट का टैंक है, और इसी में अरवाना पीसेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिल्वर एल्बिनो अरवाना है, जिसका क्वालिटी आपको
दिख रहा होगा या सामने थोड़ा सा आने दीजिए तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये अच्छे क्वालिटी का है, ये 8 इंच के आसपास का है अरवाना। और इसमें कौन कौन सी फिश अवेलेबल है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको एल्बिनो रेनबो शार्क है जो वहाँ पे था और यहाँ पे भी स्टॉक है, और रेडटेल शार्क भी है, ब्लैक रेडटेल शार्क, ठीक है, ये भी अवेलेबल है, और टाइगर शार्क भी है और एल्बिनो टाइगर शार्क भी है। इसके अलावा आपको सुहानकिन बड़े साइज का इसमें अवेलेबल है, और ओरेंडा रेड गोल्ड भी है जो आपको शो हो रहा होगा। पहले आप अरवाना को अच्छी तरह से देखिए, ये कितना फाइन क्वालिटी का ये अरवाना आया है, और इसका प्राइस काफ़ी कम है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, मार्केट से काफ़ी कम में आपको मिलता है, ये आपको पता है। तो इस तरह से यहाँ पर सारा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है, आप एक बार अच्छे से पूरा आप देख लीजिए शॉप को, किस तरह से जो है कलेक्शन यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले एक बार फिर से देख लीजिए, ये लंबे वाले टैंक में जो इतनी सारी फिशेस है जो मिक्सेस है, और यहाँ पर जो आपको देख सकते हैं ये आपको बताए थे कि बीटा फिश का ये है, तो ये बीटा फिश का टैंक है। और यहाँ पर ये पूरा शॉप का आप देख सकते हैं अब कौन कौन सा कलेक्शन हमारे पास है, जो ऑल कलेक्शन आपको एक बार में शो हो जाएगा। तो ये आप ऑल कलेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वीडो है, गप्पी है, टेट्रा है, जेबरा है, और इस तरह से यहाँ पे बीटा फिश है, यहाँ पे स्नेल है, ये मॉली है, वो एंजल फिशेस है, और यहाँ पर बहुत सारी चार पांच तरह के यहाँ पे फिशेस है, ऊपर है, यहाँ है, इस तरह से जो सारी फिश है, और यहाँ पर बीटा फिश भी कुछ अवेलेबल है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, कलेक्शन कैसा लगा, ये काफ़ी रात को बन रहा है, अब तो 12 बज चुके हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे तरीके से नहीं आ पाया तो सॉरी, क्योंकि ये लेट नाइट बन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा आपको गड़बड़ मिलेगा, अच्छे से व्यू नहीं हो रहा होगा। तो बस आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास अच्छा खासा कलेक्शन अवेलेबल है अभी, तो फटाफट से आप आइए, विजिट करिए और फिश का कलेक्शन लेके जाइए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।